हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जैसे कि आपको पता है, हम फिजिक्स की 11th क्लास का फिजिकल वर्ल्ड यूनिट कर रहे हैं, सब यूनिट कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर कौन सा है? 6 है। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फाइन, ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है और मेरा नाम है संजय मंडोत्रा, एस के मंडोत्रा। फाइन, देखिए ये हमारा चैनल है टेक्निकल मंडोत्रा जी। यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जब मैं जब भी लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फाइन, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आज का टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कौन सी फोर्सेस हैं ये? फंडामेंटल फोर्सेस। कितनी फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में आपकी? अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, देर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फर्स्ट कौन सी है आपकी? फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एक होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सेकंड इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन सी? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। थर्ड इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। थर्ड कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इट इज योर थर्ड। एंड फोर्थ वन इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। आपकी टोटल कितनी फोर्सेस हैं? 4 फोर्सेस हैं नेचर में। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सेकंड इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, थर्ड इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एंड फोर्थ इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज योर इंट्रोडक्शन यूनिट। इसके अंदर जितनी भी ये फोर्सेस है, आप इनको डिटेल में स्टडी करोगे आने वाले टाइम पे। ये सिंपल आपकी क्या है? इंट्रोडक्शंस हैं। ओके, तो देखिए, लेकिन इसको समझना जरूरी है, इनको पता, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो पहली कौन सी है आपकी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कौन सी है आपकी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस? ये वो फोर्सेस होती हैं जो कि क्या होती हैं भी, यूनिवर्स में कोई भी अगर दो बॉडीज हैं, यूनिवर्स में चाहे आपके दो पेन हैं, चाहे आप और अर्थ हो, चाहे दो प्लैनेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस उन दोनों बॉडीज के बीच में क्या लग रही होती है? हमेशा म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या? ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होगी। मींस एग्जांपल के तौर पे मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब बॉडी ए जो है हमेशा अपनी तरफ बॉडी बी को खींच रही होगी, और जो बॉडी बी है हमेशा बॉडी जो बॉडी बी है हमेशा बॉडी ए को अपनी तरफ खींच रही होगी। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा कैसी होती हैं? जो म्यूचुअली अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज या एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। उनका मास कितना है उसके हिसाब से वो क्या कर रही होती है? एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही होती है। क्या आपने एक चीज नोटिस की? मैंने बोला यूनिवर्स में कोई भी चीज, कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आपका एक हाथ, आपकी एक हाथ, जैसे आप इस समय मोबाइल पकड़ा हुआ आपने, फाइन एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी इस समय आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, आपके हाथ के और मोबाइल के बीच में इस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला जो आपका हैंड है, आपका हैंड इस समय और आपका साथ में मोबाइल, इन दोनों के बीच में अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। आप मुझे पूछोगे, सर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है तो एक दूसरे, हम मेरे हाथ में फोन खुद ब खुद क्यों नहीं आ रहा? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपका हाथ इस फोन को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा? इसका आंसर ये है, अभी अभी आपने पढ़ा
कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बाय वर्च्यू ऑफ किसकी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ मासेस होती हैं। मीन्स आपकी ये इतनी बड़ी अर्थ है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, इस अर्थ के ऊपर एक तो आपका हैंड है और एक आपका मोबाइल है। अब मुझे बताओ कौन मोबाइल को आपका हाथ ज़्यादा ताकत से खींचेगा या आपकी अर्थ ज़्यादा ताकत से खींच रही होगी। आप मुझे बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको इस तरह से पता चलेगा जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, देखिए इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करूँ, इसका फार्मूला होता है, ये हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर आ गया ये हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है, जी एम वन अपॉन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो मास जो दो बॉडीज के बीच में, ये एक बॉडी का मास है, ये दूसरी बॉडी का मास है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये आपकी अर्थ थी जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, ये आपका मोबाइल है और ये आपका हैंड है, ये आपका क्या है, हैंड है। अब इस हैंड को भी अर्थ बहुत ताकत से खींच रही है, इस मोबाइल को भी बहुत ताकत से अर्थ अपनी तरफ खींच रही होती है, इसलिए ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कंपेयर दिस वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ और मोबाइल के बीच में, अर्थ एंड हैंड के बीच में। इसलिए कोई भी चीज जो गिरती है आपकी अर्थ के ऊपर गिरती है। लेकिन अगर मैं आपको सही बात बताऊं, आपकी यूनिवर्स में कोई भी चीज है, अगर उसका मास है, मास तो हर चीज का होता है यूनिवर्स में, अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है उसका मास पक्का होगा, तो मैंने क्या बोला, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है जिसका मास होता है वो हमेशा क्या कर रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज के बीच में लग रही होती है। वो किस हिसाब से फोर्स डिसाइड की जाएगी, इट इज डिसाइडेड बाय बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। बात क्लियर होगी, होगी होप करता हूं मैं इस चीज को। तो ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्सेस के बारे में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कैसी होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी हैं आपकी, ये कैसी हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मैं होप करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब आती हैं प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की क्या होती हैं आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज समझने से पहले मैं आपको सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ा दूंगा, बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बीक न्यूक्लियर फोर्सेस, सेकंड कौन सी है आपकी, बीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये है आपका बी पार्ट, जो कि क्या है, बीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके फाइन, बीक न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी फोर्सेस होती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। कैसी होती हैं, एलिमेंटरी पार्टिकल्स के बीच में होती हैं, कितनी देर के लिए होती हैं, फॉर शॉर्ट लाइफ टाइम। देखिए देखो ये एलिमेंटरी जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एलिमेंटरी पार्टिकल्स होते क्या, पहले ये आपको पता होना चाहिए, एलिमेंटरी पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो जैसे ये आपका एक एटम है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, पता है ना ये सारी चीजें। देखो एटम एक पहला नहीं है, एटम भी फ्रदर कोई और चीजों का बना हुआ है, ये जो फ्रदर और चीजें हैं वो फ्रदर और कुछ चीजों की मिलके बनी हुई है, समझ रहे हो ना बात को। जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं आपके एटम्स के, समझ रहे हो बात को, है ना, मैं समझाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। और एटम किसके बने हुए हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन फर्दर और कोई पार्टिकल्स के बने हुए हैं, तो वो लास्ट पार्टिकल जो फर्दर किसी और चीज का नहीं बना होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसा मटेरियल, वैसा एलिमेंट जो फर्दर कोई और चीज का नहीं बना हो, मीन्स वो लास्ट यूनिट हो, मीन्स वो क्या हो, लास्ट यूनिट हो, जिस चीज के मिलने से कोई एक न्यू चीज बनती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी पार्टिकल बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल। क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल। बात समझ आई होगी, क्या बोला मैंने क्या नहीं बोला।
मैंने बोला, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक नाम क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या नाम होता है? एक सेकेंड, क्या नाम होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स इसका नाम होता है। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? देखिए, एक सेकंड रुको। ओके फाइन, क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं सही से लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि पेन सही से काम नहीं कर रहा मेरा। एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद सही से लिख पाऊँ। देखो क्या है, फंडामेंटल। अब आई थिंक आप समझ जाओगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। और ये वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो फर्दर कोई चीज के नहीं बने होते, ठीक है। ये लास्ट यूनिट होता है। ओके फाइन। तो बिग न्यूक्लियर फोर्सेस पहली बात है, कैसी फोर्सेस होती हैं? और दोस फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल, जो किस टाइम के लिए होती हैं? फॉर शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए ये एग्जिस्ट करती हैं। और आपका क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा थोड़े देर के लिए ही क्यों होती हैं? ये आपको, जब मैं आपको रेडियो एक्टिव डिके ला पढ़ाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, जहां आप केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ लोगे। देखो इलेवन, ये ट्वेल्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिव डिके ला, और केमिस्ट्री में मे भी आप मेरे ट्वेल्थ में पहुंचने से पहले ही ये चीज़ पढ़ लो, रेडियो एक्टिविटी। तो उसके अंदर आप सीखोगे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल रिलीज होते हैं जब रेडियो एक्टिविटी होती है। तो इतना डीप नहीं जाएंगे, अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो इसके अंदर आपको ये क्लियर रखना है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ऑलवेज किसके बीच में होती हैं? ये इंट्रैक्शन होती हैं, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्यों क्यों लिखा? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब हो जाएगा, ये आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का क्या मतलब हो जाता है? कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती हैं, जहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सिव भी हो सकती हैं। किसके बीच में होती हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती हैं। कितने टाइम के लिए होती हैं? शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होती हैं। फाइन, प्रॉपर्टीज बाद में देखते हैं। थर्ड जो फोर्सेस हैं वो कौन सी है आपकी, बताओ मुझे? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। मुझे बताओ सभी बात समझ आ रही है ना? अगर वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। अब लाइक करना मत भूला करो, तो वीडियो को क्या कर दो? लाइक कर दो। चलिए देखते हैं थर्ड फोर्स कौन सी है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कौन सी हैं? दीज आर द फोर्सेस बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल। कैसी होती हैं ये आपकी? चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में होती हैं। आपने टेंथ में एक लॉ पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ, जो कि आपने क्या पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ट्वेल्थ में हम फिर से पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे, जहाँ इसको आपने ऐसा भी शायद लिखा होगा, ऐसे करके लिखा होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एक ही मतलब है, जैसे भी पढ़ा होगा दोनों सही है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये भी चार्ज है और ये भी क्या है आपका, चार्ज है ना। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं ये किसके बीच में होती हैं, याद रखना, ये किनके बीच में होती हैं? चार्ज पार्टिकल के बीच में होती हैं। ये भी कैसी फोर्सेस होती हैं? ये फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं, फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपकी ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं या रिपल्सिव भी हो सकती हैं। बात समझ आ रही होगी, आई होप समझ गए कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कैसी होती हैं। फिर से इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में देखते हैं। एंड लास्ट फोर्सेस आपकी कौन सी हैं? आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। कैसी फोर्सेस आपकी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस किसके बीच में होती हैं, किसके बीच में नहीं होती हैं, अब वो समझ लेते हैं भाई। देखो पहले इस चीज को समझने के लिए ना, मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ। आपने कभी ना कभी कोई अपने नाइन्थ क्लास में या टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि आपके जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है, जो आपके प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। याद रखना, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, देखो जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका एटम है, ये आपका एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज होता ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम बात करेंगे प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स के ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो एक बात आपने शायद 10th में पढ़ा हो, 9th में पढ़ा हो, कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर सारे के सारे चीजें क्या इकट्ठी हुई होती हैं, सारे के सारे क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन्स होते हैं। सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अगर सारे के सारे अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो क्या भाई आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि प्रोटॉन्स प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? अगर सारे, देखो इतना बड़ा एटम है और छोटा सा बीच में न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस क्यों बना होता है, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स एक साथ इकट्ठे हुए होते हैं, सारे प्रोटॉन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अगर प्रोटॉन्स के ऊपर, सभी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को, इनको क्या करना चाहिए था, रिपेल करना चाहिए था। रिपेल तो करते नहीं, उल्टे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ भी इतनी ताकत से जाते हैं कि ये बिल्कुल कंडेंसली पैक्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंडेंसली पैक्ड हो जाते हैं। रिपेल करना तो दूर की बात है, ये क्या हो जाते हैं, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है इनके बीच में कि ये क्या हो जाते हैं, इतने कंडेंसली पैक हो जाते हैं, इनका साइज बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, तो न्यूक्लियस कहलाते हैं, जो कि क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियस कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, हम ये फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा 12th में, कि ऐसा क्यों होता है, कितना डिस्टेंस दो प्रोटॉन्स के बीच में हो कि उनके बीच में इतनी ज्यादा स्ट्रोंग फोर्स हो जाती है कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या मैंने बताया, एक एक पर्टिकुलर, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एक क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। उस शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर दो प्रोटॉन्स को रख दिया जाए, तो दो प्रोटॉन्स के बीच में क्या होने लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगती है। क्या लगने लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगती है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। और ये वही न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो क्या करती हैं आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ध्यान रखना, ये वो ही न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो क्या करती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं, आप समझते हैं, देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर दैट फोर्सेस जाके जो क्या करती हैं, दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, पता चल गया इनको। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के मतलब वो मत समझ लेना, वो जो आपकी फ्यूजन फ्यूजन मतलब समझ लेना, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन से मत कंपेयर करने लगना। ये क्या है आपकी, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो बाइंड करके रखती हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ, इन कहां पे, इन द न्यूक्लियस, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब देखो मैं ना आपको जी चार फोर्सेस पढ़ाई ना, इनको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको इस टेबल की फॉर्म में। देखो जैसे कि आपका एक हमने पढ़ी कौन सी बताओ मुझे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एक सेकंड, एक कौन सी आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने बताओ मुझे, दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, कौन सी थी, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। थर्ड कौन सी पढ़ी हमने बताओ, थर्ड कौन सी पढ़ी हमने भाई बताओ, थर्ड हमने पढ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। एक देखो सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जो जैसे जैसे हमने किया था, पहली पढ़ी थी हमने कौन सी, पहली पढ़ी थी हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दूसरी पढ़ी हमने वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, थर्ड पढ़ी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एंड फोर्थ पढ़ी हमने, लास्ट पढ़ी थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो आपकी जो थर्ड थी, थर्ड का क्या नाम था, थर्ड का नाम था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, कौन सी थी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस, एंड लास्ट जो थी आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, कौन सी थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस।
अब देखो इनको सभी को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसके बीच में होती हैं? टू बॉडीज के बीच में होती है। किनके बीच में होती है? टू बॉडीज के बीच में, टू बॉडीज के बीच में, है ना, टू बॉडीज के बीच में होती है। और क्या होती हैं जी, कौन सी फोर्सेस होती हैं? इंट्रैक्टिव होती हैं या अट्रैक्टिव होती हैं या रिपल्सिव होती हैं? ये कैसी होती हैं आपकी? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। कैसी फोर्सेस होती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, दो बॉडीज के बीच में होती हैं। कौन सी फोर्सेस कहलाते हैं ये? ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहलाती हैं। कौन सी फोर्सेस कहलाती हैं आपकी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहलाती हैं। यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज जिनके बीच में क्या लग रही होती है, जिनके बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, उन्हें हम क्या बोल देते थे? आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोल देते थे। लेकिन ये किसकी वजह से होती थी? बाय द वर्च्यू ऑफ मासेस, बाय द वर्च्यू ऑफ मासेस। ऐसे करके आप टेबल बना के याद कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरी कौन सी फोर्सेस थी आपकी? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी थी बताओ मुझे? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती थी? ये होती थी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मैंने बताया था क्यों बोलते हैं, ये देख कौन सी थी? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन थी। किनके बीच में थी? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन थी बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन सा? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती है। और कितने टाइम के लिए होती हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए। कितने के लिए? शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बात, समझ गए? यहां पे मैं ऐसे शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं, आपको आई होप आपको पता चल रहा होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन टू या दो से ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती हैं, शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किसके बीच में होती हैं? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होती हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? ये किनके बीच में होती हैं? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं, ये भी कौन सी होती हैं? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं, दो या दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पार्टिकल्स? चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती हैं। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस थी बताओ मुझे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आपकी क्या करती थी? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती थी। क्या करती थी? बाइंड करके रखती थी। कहाँ पे रखती थी बाइंड करके? न्यूक्लियस में रखती थी। कहाँ रखती थी? न्यूक्लियस में रखती थी। आई होप आपको ये बातें सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।